हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। वी हैव कंप्लीटेड 10 चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 7th मैथ्स। आज हम इसका नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11, पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। इन क्लास 6th यू हैव ऑलरेडी लर्न पेरीमीटर्स ऑफ प्लेन फिगर्स एंड एरियाज ऑफ स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो पिछली क्लास में आपने जो प्लेन फिगर्स हैं उनके पेरीमीटर्स के बारे में और जो स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स हैं उनके एरियाज के बारे में पढ़ा होगा। तो पेरीमीटर क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड फिगर। जो कोई भी फिगर है आपके, जो क्लोज्ड फिगर है उसके चारों तरफ जो डिस्टेंस होती है वो होती है पेरीमीटर। व्हाइल एरिया क्या है? यहाँ पे एरिया इज़ द पार्ट ऑफ द प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय ए क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे अगर ये हमारी फिगर दे रखी है, ये अगर रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर इस तरह से, ठीक है, हम चारों साइड्स को ऐड कर देंगे। और जो एरिया है वो हो जाएगा रीजन ऑक्यूपाइड बाय द रेक्टेंगल। जो इसके अंदर का रीजन है ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा। स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। आयुष एंड दीक्षा मेड पिक्चर्स। आयुष मेड हिज पिक्चर ऑन ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। आयुष और दीक्षा दो स्टूडेंट्स हैं, पिक्चर्स बनाई हैं उन्होंने। आयुष ने पिक्चर बनाई है एक रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर, उसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। लेकिन दीक्षा ने जो पिक्चर बनाई है उसने एक रेक्टेंगुलर शीट पे ही बनाई है, लेकिन उसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है वे डिफरेंट है आयुष से। तो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 35 सेंटीमीटर। बोथ दीज पिक्चर्स हैव टू बी सेपरेटली फ्रेम्ड एंड लैमिनेटेड। इन दोनों पिक्चर्स को सेपरेटली फ्रेम करना है और लैमिनेट करना है। हु हैज़ टू पे मोर फॉर फ्रेमिंग। तो आयुष और दीक्षा में से किसको ज़्यादा फ्रेमिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा? इफ कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग इज ₹3 पर सेंटीमीटर। अगर फ्रेमिंग की कॉस्ट 1 सेंटीमीटर की ₹3 है, तो इसके अंदर हमारे दो क्वेश्चंस निकलेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन इज ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, हु हैज़ टू पे मोर फॉर लेमिनेशन। अगर लेमिनेशन की कॉस्ट 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर की कितनी कॉस्ट है? ₹2 है। तो लेमिनेशन के लिए किसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आयुष को या दीक्षा को? फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग, तो फ्रेमिंग की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर। क्योंकि जो फ्रेम होता है वो चारों तरफ लगता है पिक्चर के, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और उसको क्या करेंगे बाद में, जो रेट ऑफ फ्रेमिंग है जो ₹3 पर सेंटीमीटर, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन, लेमिनेशन की कॉस्ट निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड एरिया। क्योंकि लेमिनेशन तो पूरी पिक्चर के एरिया के ऊपर होती है, तो इसलिए हमें उस पिक्चर का एरिया निकालना पड़ेगा। एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द रेट फॉर लेमिनेशन। और जो एरिया आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ लेमिनेशन है ₹2 पर सेंटीमीटर के, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी उसका नाम लिख देंगे कि उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से निकल जाएगा आपका। आयुष के लिए, आयुष ने जो पिक्चर बनाई है उसकी जो लेंथ है, शीट की लेंथ वो हमारी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर दीक्षा लेंथ ऑफ शीट इज़ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द शीट इज़ 35 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है फ्रेमिंग की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग फॉर आयुष, इसके लिए हमने क्या करना है, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा शीट का। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगुलर शीट है तो इसके लिए ये हमारा पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा, 2 × लेंथ है 60 और ब्रेड्थ है 20, 2 × 80, 60 और 20 को हम ऐड कर लेंगे, 80 × 2 आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग। 160 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 480 रुपीज़। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग फॉर दीक्षा। तो सबसे पहले पैरीमीटर निकालेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है 40 और ब्रेथ है 35। 40 और 35 को ऐड करेंगे 75 आएगा, 2 इंटू 75 ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग कितनी आ जाएगी, 150 इंटू 3 450 रुपीज़। तो अब इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, आयुष को कितना पे करना पड़ेगा 480 रुपीज़ और दीक्षा को कितना पे करना पड़ेगा 450 रुपीज़। अब किसका ज़्यादा है, आयुष का ज़्यादा है, आयुष हैज़ टू पे मोर फॉर फ्रेमिंग, तो आयुष को फ्रेमिंग के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है लेमिनेशन करनी है इसी पिक्चर के ऊपर। तो लेमिनेशन तो इसके पूरे एरिया के ऊपर होगी, ये इस तरह से पूरा जितना भी एरिया है इसके ऊपर लेमिनेशन होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द शीट क्या फार्मूला होता है एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 60, ब्रेथ है 20, 60 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन आ जाएगी 1200 इंटू 2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो 1200 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 2400 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन फॉर दीक्षा, तो सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे, एरिया के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 40, ब्रेथ है 35, मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगी 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन निकाल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपीज़, अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, जितना एरिया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2880 रुपीज़। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, यहाँ पे ये वाली बड़ी है, ये किसको पे करना पड़ेगा, दीक्षा को पे करना पड़ेगा, दीक्षा हैज़ टू पे मोर फॉर लेमिनेशन, तो लेमिनेशन करवाने के लिए दीक्षा को ज़्यादा पे करना पड़ेगा और फ्रेमिंग के लिए आयुष को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर पैरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। कोई भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, क्लोज्ड फिगर है, तो उसके अंदर हमने देखना है कितनी नंबर ऑफ साइड्स है और एक साइड की कितनी लेंथ रखी है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास पेंटागन है, ठीक है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी साइड्स हैं, 5 हैं, एक साइड की लेंथ कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 25 सेंटीमीटर। पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 × साइड, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी 3 सेंटीमीटर की साइड्स हैं चारों साइड्स, तो 4 × साइड हो जाएगा 4 × 3 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर का पैरीमीटर आ जाएगा। पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, अब हमें निकालना है रेक्टेंगल का पैरीमीटर, ये होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे ये एल है, ठीक है, ये भी एल है, ये बी है, ये बी है, तो ये हो जाएगा एल प्लस बी प्लस बी, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2L प्लस 2B। अब हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा L प्लस बी, तो ये हो जाएगा पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, अब इसी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड। तान्या नीडेड ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर फॉर कंप्लीटिंग ए कोलाज। तान्या को एक स्क्वायर चाहिए जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसको एक कोलाज बनाना है। शी हैड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 21 सेंटीमीटर। तो उसके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर
और उसकी ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर. शी कट्स ऑफ ए स्केयर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट. तो ये यहाँ पे उसकी गिवन शीट है तान्या की, जिसकी लेंथ यहाँ पे दे रखी है 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 21 सेंटीमीटर. ठीक है, अब वो क्या करती है, इसमें से एक स्केयर काट लेती है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर शीट. इस शीट में से वो एक स्केयर काट लेती है 4 सेंटीमीटर का. ठीक है, हर फ्रेंड सा द रिमेनिंग शीट एंड आस्क्ड तान्या. उसकी फ्रेंड ने जो बची हुई शीट थी, ये बची हुई शीट है, इसको देखा और तान्या से पूछा, हैज़ द पेरीमीटर ऑफ द शीट इंक्रीज और डिक्रीज नाउ. वो तान्या से पूछती है कि क्या जो ये काटने के बाद, स्केयर काटने के बाद जो शीट है हमारे पास, इसका पेरीमीटर बढ़ गया है या घट गया है. हैज़ द टोटल लेंथ ऑफ साइड AD इंक्रीज्ड आफ्टर कटिंग ऑफ द स्केयर. जो AD है, क्या इसकी लेंथ बढ़ गई है स्केयर काटने के बाद. हैज़ द एरिया इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, क्या इसका एरिया घट गया है या बढ़ गया है. तान्या कट्स ऑफ 1 more square फ्रॉम द अपोजिट साइड. तान्या इसकी अपोजिट साइड से एक स्केयर और काट लेती है. विल द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शीट इंक्रीज फर्दर, क्या इस शीट का पेरीमीटर दोबारा से बढ़ जाएगा. विल द एरिया इंक्रीज और डिक्रीज फर्दर, क्या एरिया बढ़ेगा या घटेगा. सो वट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब यहाँ से हम एक स्केयर काट लेते हैं तो इसका पेरीमीटर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पेरीमीटर को इस तरह से नापेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से यहाँ तक. ठीक है, तो जो एरिया है वो कम हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक स्केयर ऊपर से काट रखा था, एक नीचे से काट लिया, तो इसका पेरीमीटर तो बढ़ जाएगा इस तरह से, लेकिन जो एरिया है वो घट जाएगा. इट इज़ क्लियर दैट इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर नीड नॉट लीड टू इंक्रीज इन एरिया. तो इससे हमारा क्या पॉइंट क्लियर होता है कि अगर पेरीमीटर बढ़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि एरिया बढ़ेगा. यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, पेरीमीटर तो बढ़ रहा है लेकिन एरिया कम हो रहा है. अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज, करने से पहले इसके एग्जांपल्स करेंगे. एग्जांपल फर्स्ट, ए डोर फ्रेम ऑफ डाइमेंशंस 3 meter into 2 meter इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 meter into 10 meter. फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल. इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 meter square ऑफ द वॉल इज ₹2.50. ये हमारी वॉल दे रखी है. ठीक है, ये 10 by 10 की है, ये भी 10 है और ये भी 10 है. ठीक है, और यहाँ पे एक दरवाजा का फ्रेम लगाना है 3 into 2. ये यहाँ पे 3 है और ये यहाँ पे 2 है. ठीक है, इसके बाद हमने क्या निकालना है, टोटल चार्जेस निकालने हैं पेंटिंग. जो बाकी की दीवार बच जाती है दरवाजे को छोड़ के, उस पर हमने पेंट करना है, उसका खर्चा निकालना है कि कितना खर्चा आता है. ठीक है, तो खर्चा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका पूरे का ही एरिया निकाल देंगे. ठीक है, तो पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द वॉल इंक्लूडिंग डोर साइड इंटू साइड आ जाएगा 10 into 10. साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर शेप की वॉल है, तो ये आ जाएगा 100 meter square. अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ द डोर. डोर का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 into 2 6 meter square. अब हमें दरवाजे के ऊपर तो पेंट नहीं करना है, हमें तो दरवाजे को छोड़कर पेंट करना है. तो जो टोटल वॉल का एरिया आया था 100, एरिया ऑफ द वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, डोर को छोड़कर कितना एरिया आएगा, 100 में से 6 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 94 meter square. अब हम निकाल लेंगे पेंट करने का जो चार्ज आएगा, टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल. 1 meter square का कितना खर्च है, 2.50. तो यहाँ पे हमने निकालना है 94 meter square का, तो 2.50 into 94 ये आ जाएगा ₹235. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 500 centimeter square. एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर शीट का, लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 25, वट इज़ द विड्थ. तो इसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, तो एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 चीज़ें निकालनी है, विड्थ निकालनी है और
विड्थ निकालने के बाद हमें इस शीट का पेरीमीटर निकालना है। एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को यहाँ पे विड्थ भी बोल सकते हैं, बी यहाँ पे विड्थ को भी शो करता है। विड्थ कितनी हो जाएगी, एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। तो एरिया है 500 और लेंथ है 25, हम इसको काट देंगे ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। लेंथ कितनी है 25 है और ब्रेड्थ है, विड्थ है हमारी 20 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट स्टार लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 25, ब्रेड्थ है 20, ये हो जाएगा 45 ब्रैकेट के अंदर। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। नाउ एग्जांपल नंबर 3, अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। अनु के घर के सामने एक गार्डन है, ये अनु का घर है, ये गार्डन है, तो उसको फेंस करना है ऑन द 3 साइड्स। तो एक साइड तो इसकी हाउस की हो गई, एक ये साइड करनी है, एक ये साइड करनी है और एक ये साइड करनी है, 3 साइड्स इसको फेंस करनी है, बाड़ लगानी है। और उनकी साइड्स क्या क्या है, 20 मीटर 12 मीटर एंड 12 मीटर, दो साइड तो 12 हैं और एक साइड है 20 की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर। एक मीटर की कॉस्ट है ₹150, तो टोटल फेंसिंग का खर्च कितना आएगा। तो यहाँ पे जो फेंसिंग करनी है तो क्या निकलेगा, यहाँ पे पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग वन साइड। इसमें एक साइड बाड़ नहीं लगानी है, फेंसिंग नहीं करनी है, सिर्फ 3 साइड्स में करनी है। तो कितने में फेंसिंग करनी है, 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर, ये आ जाएगा 44 मीटर, ठीक है। तो एक मीटर का खर्चा है ₹150, तो फेंसिंग टोटल कितनी करनी है 44 मीटर की, 44 इंटू 150 ये हो जाएगा ₹6,600। नाउ एग्जांपल नंबर 4, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक वायर है, उसकी शेप स्क्वायर की जैसी है, ये वायर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर की होंगी। इफ द वायर इज रीबेंट इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेड्थ। हमने क्या करना है, इसको हमने रेक्टेंगुलर शेप देनी है, ठीक है। ये होनी चाहिए हमारी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हमने निकालनी है, तो हमने निकालनी है इसकी ब्रेड्थ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर निकाल लेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 10 है 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है 12 सेंटीमीटर। बी हम सपोज कर लेते हैं कि इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, तो अगर हम इसकी स्क्वायर शेप वायर को अगर हम रेक्टेंगल शेप बनाते हैं तो पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा ना, पेरीमीटर थोड़े ना बदलेगा। लेंथ भले ही बदल जाए, ब्रेड्थ भले ही बदल जाए, साइड्स बदल जाएंगी, लेकिन जो टोटल पेरीमीटर 40 रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 40। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर 40 है, 40 इज इक्वल टू 2, लेंथ है 12 और ब्रेड्थ लिखेंगे हम बी। 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 यहाँ पे, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 20 इज इक्वल टू 12 प्लस बी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 20 है, 12 इधर माइनस का हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल कितनी आ जाएगी हमारी, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच एनक्लोजिज मोर एरिया द स्क्वायर ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने ये बताना है कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है या रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है। तो स्क्वायर का एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज़्यादा है, स्क्वायर का ज़्यादा है।
सो स्केयर एनक्लोजिज मोर एरिया, तो स्केयर का एरिया ज़्यादा है, इवन दो इट्स पेरीमीटर इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर तो सेम है लेकिन एरिया स्केयर का अधिक है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, द एरिया ऑफ ए स्केयर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल. एक स्केयर और रेक्टेंगल दे रखे हैं, उनका एरिया इक्वल है. इफ साइड ऑफ स्केयर इज 40 सेंटीमीटर, अब हमें स्केयर की साइड दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो एरिया निकाल सकते हैं हम 40 × 40 करके. ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगल की 25, अब एरिया जब इक्वल है रेक्टेंगल का और स्केयर का, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्केयर. अब हम लेंथ निकाल सकते हैं रेक्टेंगल की, उसके बाद हम रेक्टेंगल का ये पैरामीटर निकाल देंगे. स्केयर की साइड दे रखी है 10, तो एरिया 40 सेंटीमीटर, तो एरिया कैसे निकालेंगे, साइड का स्केयर कर देंगे 40 × 40 1600 सेंटीमीटर स्केयर. अब ये जो एरिया है स्केयर का, ये रेक्टेंगल का भी यही एरिया है. रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड दे रखी है 25 सेंटीमीटर, लेंथ निकाल लेंगे. कैसे निकाल लेंगे, जो एरिया है 1600 इसको हम ब्रेड से डिवाइड कर देंगे, लेंथ आ जाएगी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्केयर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा 1600 सेंटीमीटर स्केयर, ब्रेड दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड होता है. एरिया है 1600, लेंथ में निकालनी है, ब्रेड दे रखी है 25, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 25, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1600 / 25, ये आ जाएगी लेंथ इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर. आप इसको आराम से डिवाइड करेंगे, 25 की टेबल से जाएगा ये, 25 × 6 = 150, 10 ऊपर से 0 उतार लेंगे, 25 × 4 = 100, तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर. तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ गई 64 सेंटीमीटर. अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का, हमारे पास लेंथ है 64, ब्रेड्थ है 25, तो ये निकल जाएगा हमारा 2 × 89, 178 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 178 सेंटीमीटर, इवन दो इट्स एरिया इज सेम एज दैट ऑफ स्केयर, लेकिन एरिया इसका सेम है जितना कि स्केयर का एरिया है. तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी 11.1. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और एनसीईआरटी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें. थैंक यू बच्चों.